हेलो गाइस, तो अभी सीन ही है ना, मैं घर जा रहा हूँ। मैं अपना जो जनरल है ना वो भूल गया हूँ, तो उसको लेने के लिए मैं घर जा रहा हूँ। तो मैं सोचा एक व्लॉग बनाता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो आप लोग देखिए। तो अभी मैं ट्रेन में हूँ और बाकी आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा। तो रात है, अभी टाइम हो रहा होगा 8 बजे और मैं व्लॉग कर रहा हूँ ट्रेन में। तो चलो आप लोग कुछ दिखा रहे गाइस। लाइफ में कुछ ना डेरिंग होने वाला है। तो अभी मैं कहूँ, पता है, गेस करूँ, मैं बाथरूम में हूँ और स्लीपर क्लास का मैं बाथरूम में, और बाथरूम का कंडीशन माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मैं आप लोग को दिखा रहा। सांस है रन है, मन परेशान है। प्रोडक्शन का एक किताब है तो वो छूट गया है मेरे को, वो बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर अपने को अटेंडेंस नहीं मिलेगा। तो मैं सोच रहा था कि चलो यार व्लॉग करते हैं, किससे अच्छा मौका क्या मिल सकता है यार। और ऐसे भी मेरे को घर जा रहा था, घर जाने के लिए बहाना चाहिए जाके। मेरे को करीब करीब लगभग 4 से 5 बजे मेरे को पहुँचाएगा, फिर वहाँ से मेरे को बाइक लेके जाना पड़ेगा घर। तो मैं सारा जो जर्नी है मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सुबह सुबह यहाँ पे जो है ना, कलकत्ता से जब मैं अभी बाहर आ गया हूँ तो ठंड बढ़ गई है, तो मैं जो भी फील करूँगा, जो भी सारा होगा ना, मैं आपको दिखाऊंगा। सो पूरा वीडियो देखो। तो गाइस हम लोग अभी फाइनली पहुंच चुके हैं, मेरा अभी बारसोई पहुंचे हैं। तो यहाँ से मेरे को एक लोकल ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, फिर वहाँ से आजमनगर जाना पड़ेगा। सोचा कि आप लोग को अपडेट देता हूँ। तो अभी ये है ना कि मैं जब कलकत्ता में था 20 डिग्री 22 डिग्री 70 डिग्री सेल्सियस होता था, और यहाँ पे डायरेक्टली 14 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ ठंड बहुत है यार, बहुत ज़्यादा ठंड है। और मैं चाय पी रहा हूँ, तो क्या बोलते हैं कि अभी यहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ने का अपने को, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे आजमनगर से जाएंगे, तब घर पहुँचेंगे। और सनराइज भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे बाकी सब बढ़िया। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में। तो मैं घर आ चुका हूँ, और मैं वहाँ बहुत सारा जो सीन्स है वो शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरा बैटरी डाउन हो गया था। तो अभी मैं फाइनली घर आ चुका हूँ और सनराइज अपना घर से एंजॉय कर रहा हूँ, ग्रीन टी पी रहा हूँ। सो गाइस चीयर्स। व्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, पर इट वाज एन एक्सपीरियंस, और ट्रूथ था, सच्चाई था। चीज़ आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है ना कि मैं कलकत्ता से पापा के लिए एक चाय पत्ती लेके आया था। तो पापा को ग्रीन टीज़ जैसे हो गया, दार्जिलिंग टीज़ वगैरह बहुत पसंद है। तो सीन ये हुआ कि मैं वो जो ख़रीदा था, तो वो मेरा अपना पैसा से था, मेरा कमाया हुआ पैसा। मैं जो कैजुअल ट्रेनिंग में गया था वहाँ पे जो अर्न किया था उससे मैं खरीद के ला के दिया और पापा को दिया। उसका फेस में एक बहुत मस्त स्माइल था, मेरे को भी अच्छा लगा, उसको भी अच्छा लगा। तो ये शायद मैं आपको चाय पत्ती तो दिखा नहीं सकता, तो मैं सोचा कि स्टोरी शेयर कर दो। और मैं घर आके काफ़ी खुश हूँ, तो एज़ यू गाइस कैन सी मेरा फेस, पूरा रात भर नहीं सोया हूँ तब भी। और अभी यहाँ का जो सनराइज़ है ना बहुत खूबसूरत है, तो चलो मैं आप लोग को सनराइज़ दिखाता हूँ। जो रात है मैं सो नहीं पाया हूँ, और तो अभी मेरे को रेस्ट लेना पड़ेगा। और बहुत ठंडा है यार यहाँ पे, बहुत ठंडा है, काफ़ी ठंडा है। जब मैं कलकत्ता से यहाँ आया था तो टी शर्ट में आया था, फिर बाद में मेरे को ये लगाना पड़ा। और रात में मैं कुछ ओढ़ने के लिए नहीं लिया था, तो मेरा तो हालत ख़राब है यार, बहुत ठंड था। और इट वॉज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ऐसे में मतलब कभी कभी ना हम लोग को टाइम लेके यू नो एसी में या ये सब एसी वगैरह लग्जरी छोड़ के कभी स्लीपर में भी आना चाहिए। लाइक इससे क्या होता है कि हम लोग डाउन टू अर्थ हो जाते हैं, अपना जो रियलिटी है वो हमेशा मतलब आदमी को पता रहना चाहिए। तो गाइस ज़्यादा लेक्चर नहीं मारेंगे, यस
तो यही है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें कैसा रहा। सो गाइस, टिल देन, पीस आउट।